देखिए भाई साहब, इस समय खुल चुका है क्या बड़ा पर्दा। और बड़े पर्दे का इंतजार आज से नहीं, जब से कोरोना लगा था, जब से लॉकडाउन लगा था, उस समय बड़े बड़े अभिनेता और न्यू कमर्स एक्टर्स इंतजार कर रहे थे बेसब्री से कि आखिर कब बड़ा पर्दा खुले और कब वो अपने एक्टिंग का जलवा किसी न किसी फिल्म में बिखेरें। हालांकि मिथुन चक्रवर्ती के छोटे बेटे नवाज चक्रवर्ती अपनी फिल्म बैड बॉय के जरिए चर्चा में बन चुके हैं और बहुत जल्द इस फिल्म की अनाउंसमेंट डेट भी जारी कर दीजिएगी, जिसके बारे में खुद नवाज ने जानकारियां भी दे दी है। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती की बेटी के साथ साथ, यानी कि नमासी चक्रवर्ती के साथ साथ उनकी बेटी की भी चर्चाएं सामने आ रही हैं और कहा जा रहा है कि उनकी बेटी दिशानी चक्रवर्ती बड़े बड़े अभिनेत्रियों को टक्कर देगी। हाँ, मिथुन चक्रवर्ती की बेटी दिशानी चक्रवर्ती, ये किसी भी एक्ट्रेस की स्टाइलिश से कम नहीं है। वो सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान तक को टक्कर देती हैं, ऐसी खबरें सामने निकल कर आ चुकी हैं। फिल्म दुनिया के एक सुपरस्टार महानायक मिथुन चक्रवर्ती कहे जाते हैं, जाना माना नाम है। मिथुन चक्रवर्ती को मिथुन दा के नाम से बुलाया जाता है, दादा के नाम से बुलाया जाता है, गन मास्टर जी 9 के नाम से बुलाया जाता है। ऐसे बहुत से नाम हैं जो मिथुन दा को दिए गए हैं। लेकिन मिथुन दा की तरह क्या उनकी बेटी या उनका बेटा बन पाएगा, इस बारे में तो फिल्म आने के बाद ही मालूम पड़ेगा। लेकिन फिल्म का इंतजार तो है बैड बॉय का, लेकिन उसके पहले ही उनकी बहू मदालसा, वो भी चर्चा में चल रही है। वो भी अनुपमा सीरियल में काबे किरदार निभा रही है और चर्चाएं बटोर रही है। लेकिन अब बेटी भी सामने आ गई है और बेटी की स्टाइलिश तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है ना, लोग उसे देखकर दीवाने हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं कि भाई साहब इन्हें भी बॉलीवुड में आना चाहिए और धमाल कमाल मालामाल मचाना चाहिए। देखना होगा इनकी बेटी क्या दिशानी चक्रवर्ती बॉलीवुड में एंट्री करती है और कब करती है, किसके साथ करती है, कौन सी फिल्म होती है, इन सब के बारे में मुद्दा बना रहेगा, जानकारी बनी रहेगी। जैसी जानकारी कोई आएगी हम आपके पास देते रहेंगे और बताते रहेंगे कि आखिर दिशानी चक्रवर्ती क्या कर रही हैं और क्या करने वाली हैं। लेकिन एक खबर जो सामने आ चुकी है, जो चल रही है, वो है मिथुन चक्रवर्ती की आने वाली सबसे बड़ी एक्शन मूवी। 80 और 90 के दशक में मिथुन चक्रवर्ती की आप सबने बहुत बड़ी बड़ी एक्शन मूवीज देखी होंगी, लेकिन अब 2022 या 23 में जो आने वाली मूवी है, जिसका नाम भी बताया जा रहा है भाई साहब बाप, पता नहीं बाप होगा अमन, लेकिन तो बाप बताया जा रहा है। और इस बाप में कौन किसका बाप होगा या फिल्म आने के बाद ही मालूम पड़ेगा, क्योंकि इस फिल्म में एक नहीं बल्कि चार चार दिग्गज कलाकार नजर आएंगे। मिथुन चक्रवर्ती, सनी देओल, जैकी श्रॉफ, संजय दत्त, इन चारों का मुकाबला होगा इस फिल्म में और इन चारों के साथ देखा जाएगा आखिर फिल्म की कहानी क्या होती है। लेकिन उसके पहले ही खबरें फैल चुकी है बेटे और बहू और बेटी को भी लेकर, तो देखना होगा बेटी बहू और बेटा क्या करता है। फिलहाल बाप ने धमाल मचा के रखा और एक बार फिर से इंडस्ट्री में अपना कायम जलवा करेगा।